दोस्तों आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में चुनावी माहौल है, पहले चरण का मतदान भी हो चुका है और अब दूसरे चरण की तैयारियों में तमाम दल के नेता लगे हुए हैं। ऐसे में खुद देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में पहुंचते हैं और वहां चुनावी एक कार्यक्रम में मुसलमानों के ऊपर हमला बोल देते हैं। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो उसको लेकर के हमने आपको पूर्व में एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि इन घुसपैठियों को, पहले उन्होंने कहा मुसलमानों को, फिर कहा घुसपैठियों को, फिर कहा कि देश का जो संसाधन है वो किन्हें देना चाहते हैं, पहले घुसपैठियों को देना चाहते हैं, मुसलमानों को देना चाहते हैं, फिर कहा घुसपैठियों को देना चाहते हैं, उन्हें देना चाहते हैं जिनके ज्यादा ज्यादा बच्चे हैं। ये बात उन्होंने क्यों कही, प्रधानमंत्री ने 2014 के आसपास एक बयान दिया गया था गालिबन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, उसका जिक्र करते हुए ये बात कही कि प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि देश के संसाधन पर मुसलमानों का हक है, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि हाँ फर्स्ट क्लेम होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि उस वक्त आप तमाम लोग जानते हैं कि 70 कमेटी का रिपोर्ट सामने आ चुका था, यह सामने था कि किस तरह से देश के मुसलमानों के हालात सबसे बदतरीन हैं, दलितों से भी ज्यादा हालात खराब हैं, और इसी वजह से यह बात उनके द्वारा कही गई थी। उन्होंने यह नहीं कहा था कि सारा संसाधन मुसलमानों को दे दिया जाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि राजनीति का रोटी सेकने के लिए जब उन्हें लगा कि पहले चरण में उनके हालात अच्छे नहीं हुए तो उन्होंने इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। और अब इस पूरे मामले का पोस्टमार्टम आप तमाम लोग जानते हैं AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में कर दिया है। जी हां, आजकल असदुद्दीन ओवैसी बिहार के किशनगंज के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम बयानों का पोस्टमार्टम कर दिया है और जो बातें उन्होंने कही है वो आप तमाम लोगों को जाननी चाहिए कि जो लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, और जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं कर रहे हैं, नियंत्रण की बात करिए ठीक है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर एक धर्म के लोगों को जो लोग टारगेट कर रहे हैं उस शख्स का पोस्टमार्टम खुल करके असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ बातें कही है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ, नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, हमेशा कहते हैं, आज भी कह दिया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। उनके भाषण का, उन्होंने जो भाषण दिया उस बारे में आपको जो झूठ उन्होंने बोला उसकी सच्चाई को आपके सामने रखकर, ताकि मोदी जी को भी मालूम हो जाए कि मोदी जी आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावेद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बयां बता देते हैं। और सच्चाई यह है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी मां और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है, माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान वो कम हुआ है, हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। ये एक गवर्नमेंट का डेटा बता रहे, फर्टिलिटी रेट 2.36। अब आप इस पे आ जाइए। दूसरा उन्होंने कहा कि यहां पर घुसपैठी हैं। 15 जुलाई 2014 को गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया, कोई एस्टिमेट नहीं है कहा। 25 नवंबर 2014 को गवर्नमेंट ने कहा कि कोई डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। 6 दिसंबर 2016 को गवर्नमेंट ने कहा कोई कंफर्म डेटा नहीं है बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं। 22 दिसंबर 2015 को लोकसभा में गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है। 21 मार्च 2017 को मोदी सरकार ने कहा कि डेटा अवेलेबल नहीं है। 11 अप्रैल 2017 को गवर्नमेंट ने कहा कि डेटा नहीं है कि बांग्लादेश से कितने आ रहे। 1 अगस्त 2017 को गवर्नमेंट ने वही जवाब दिया। 20 मार्च 2018 को वही जवाब दिया। 2 जुलाई 2019 को वही जवाब दिया।
3 मार्च 2020 को मोदी सरकार ने वही जवाब दिया कि हमारे पास डेटा नहीं है, नंबर नहीं है। तो मोदी जी, आप किस बुनियाद पर घुसपैठी कह दी हमको बताओ। अब मोदी जी का जवाब सुनो आप, अब हम उनको जवाब दे रहे हैं। अगर हमारे दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, वहां पर बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं और सबसे ज्यादा भारत सरकार को पैसा पूरे भारत से मिलता है, तो मुंबई से और दक्षिण भारत से मिलता है। मोदी जी, आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अगर दक्षिण भारत के लोग बोलना शुरू कर दें कि हमारे पास पार्लियामेंट की सीट कम है, हम बच्चे भी कम पैदा कर रहे हैं, पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे भारत के प्रधानमंत्री, बताओ हमको, बताओ क्या जवाब दोगे आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नरेंद्र मोदी भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और अगर और भी आपको डेटा चाहिए, अच्छा ये बोलते, हाँ एक और बात जो मैं आपको बता रहे हैं, मुसलमानों का गरीबी में कितना हमारा तनासुब है, कितने गरीब हैं मुसलमान, इसके बारे में आपको हम आज बता के जाएंगे। जो मुसलमान गांव में रहता है, जो मुसलमान, मोदी जी सुनो, अगर कान में सुनने की ताकत है तो सुनो देश के प्रधानमंत्री, ए भाई रुक जाइए ना, मुसलमान जो गांव में रहता है, जो वो अपने पैसे खर्चता है खाने पीने के लिए, सबसे कम खर्चने वाला अगर कोई है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा सिख है, जो महाना उसके खर्चा 2106 रुपये, हमारे 1170 रुपये, और मुसलमान सिर्फ 1133 रुपये खर्चता है। ये मोदी की सरकार का डेटा है। कितना झूठ बोलोगे मोदी जी तुम, कितना झूठ बोलोगे। मगर मोदी जी को किन मुसलमानों से मोहब्बत है मालूम आपको, कौन से मुसलमान से मोहब्बत है मोदी जी को? दुबई जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, दुबई और सऊदी अरब जाएंगे तो उसको बोलेंगे या हबीबी, या हबीबी, ऐसा मिलेंगे जैसा कि एक भाई से मिल रहे हैं। और हमको ऐसा देखते हैं, हम घुसपैठी है। मोदी जी, उसका नाम अगर मोहम्मद बिन जायद है तो इसका नाम अख्तर अली मान है। दुबई के मुसलमान से मोहब्बत, सऊदी के मुसलमान से मोहब्बत, और सीमांचल के बेटे अख्तर अली मान से नफरत क्यों मोदी जी बताओ? नफरत इसलिए है क्योंकि वो आपको कमजोर देखना चाहते हैं। और आज मोदी जी के साथ कौन खड़ा है? तो दोस्तों सुना आपने, ये है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने किशनगंज में सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान का बेहतरीन पोस्टमार्टम किया है, और कहा जा सकता है कि अंग अंग को सही तरीके से खटका करके उन्होंने तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप तमाम लोगों के सामने रख दिया है। अब आप तमाम लोगों को यह फैसला करना है कि देश के प्रधानमंत्री के बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जो बातें कही है वो कितनी सही है, कितना ज्यादा आप इसे सही मानते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल के प्राइम मेंबर बन सकते हैं। अभी अभी यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी मीडिया पर जाइए और वहां जाकर के इस चैनल के ज्वाइन बटन पर जाकर के क्लिक करके हमें आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।